नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 29 अगस्त ये वो तारीख है जब इसी तारीख को साल 1905 के दिन हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। आइए आपको उनके जन्मदिन के मौके पर कुछ अनसुने किस्से बताते हैं। 14 अगस्त 1936 के दिन बर्लिन ओलंपिक में भारत और जर्मनी के बीच हॉकी का फाइनल मैच खेला जाना था, लेकिन 14 अगस्त के दिन झमाझम बारिश के कारण मैच अगले दिन यानी 15 अगस्त के दिन खेला गया। भारत और जर्मनी के इस रोमांचक मैच को देखने के लिए जर्मनी की सड़कें भरी पड़ी थी। जानकारों के मुताबिक इस मैच को देखने के लिए लगभग 40,000 दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे। खास बात यह थी, इस मैच को देखने के लिए जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी स्टेडियम में मौजूद था। रोमांचक मैच शुरू हुआ और पहले हाफ टाइम तक शानदार खेल दिखाते हुए भारत एक गोल से आगे था, लेकिन मैदान पर बारिश के पानी का असर था तो मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते उतारे और नंगे पैर हॉकी खेलने लगे। ध्यानचंद ने तानाशाह हिटलर के सामने धड़ाधड़ कई गोल दागकर सबको हैरान कर दिया था। साथ ही साथ ओलंपिक में जर्मनी को धूल चटाकर भारत को स्वर्ण पदक जिताया। ध्यानचंद के साथ खेलने वाले खिलाड़ी बताते हैं कि ध्यानचंद रात को प्रैक्टिस किया करते थे। रात को जब चांद निकलता था तब ध्यानचंद मैदान में प्रैक्टिस करते थे, उस वजह से उनके साथ ही उन्हें चांद नाम से भी बुलाने लगे थे। हॉकी के इस जादूगर को लोग दद्दा के नाम से जानते हैं। जब हॉकी के इस जादूगर का निधन हुआ तो झांसी के उसी मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया गया जहां वो हॉकी खेलते थे। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद के खेल को देखकर हिटलर ने उन्हें डिनर का न्योता भेजा। साथ ही साथ जर्मन तानाशाह ने ध्यानचंद को जर्मनी की फौज में बड़े ओहदे का भी लालच दिया, लेकिन ध्यानचंद ने हिटलर के इस ऑफर को ठुकरा दिया। ध्यानचंद ने दो टूक अंदाज में जवाब दिया कि हिंदुस्तान ही मेरा वतन है और मैं वहीं के लिए आजीवन हॉकी खेलता रहूंगा। बेशक हॉकी का ये जादूगर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जन्मदिन को देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। इसी दिन हर साल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के अलावा अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं।